ओम नमः शिवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भ्रात्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि शनि की अपनी स्वयं की राशि मानी जाती है। इसमें विशेष बात यह है कि मकर राशि में तीन अन्य बड़े ग्रह भी विराजमान हैं, देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजकुमार बुध और आत्मा के कारक सूर्य देव शनि के साथ मकर राशि में विराजमान है। अब आपको समझाते हैं शनि के गोचर के बारे में। शनि देव का साल 2021 में कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इस साल शनि मकर राशि में ही गोचर करेंगे। शनि देव सिर्फ इस साल नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। इस समय शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, लेकिन अब शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यह भी जानिए कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या होता है। ज्योतिषों के आकलन के अनुसार शनि अब श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों को प्रभावित करने जा रहा है और इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी क्षेत्रों पर भी असर दिखाई देगा। शनि इस नक्षत्र में 18 फरवरी तक रहेंगे। अब आपको बताते हैं शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया क्या होती है। मिथुन तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। वहीं धनु मकर और कुंभ राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है। इसलिए इन पांच राशियों को सावधान रहने की ज्यादा जरूरत। ज़्यादातर ये पांचों राशि वाले नित्य प्रति पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शनि मंदिर में शनिवार को तिल, काले उड़द और तेल चढ़ाएं। चौमुखा दीपक बनाकर भी जलाएं। इसके अलावा शनि का तंत्रोक्त मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। ये मंत्र पढ़ने में आसानी ना हो तो ओम सम शनिश्चराय नमः भी पढ़ सकते हैं। जनवरी में शनि नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं। किन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ये मैं आपको राशि फल में समझाता हूं, जानिए। मेष राशि वाले, मेष राशि वालों को शनि के परिवर्तन से तनाव हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, इसीलिए धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लें, वाणी में मधुरता बनाए रखें। आपके लिए उपाय है, आप शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में आटे में चीनी मिलाकर के चींटियों को डालें। वृषभ राशि वाले, वृष राशि के जातक कर्ज लेने से बचें। नया कार्य आरंभ करने की योजना बना रहे हैं तो किसी प्रकार की भी जल्दबाजी ना करें। आपके लिए उपाय है, आप प्रातःकाल उठते ही भूमि का स्पर्श करें, भूमि को प्रणाम करें। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए धन के मामले में सावधान रहें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनके लिए उपाय है, शनि देव को तेल अर्पण करें। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों को कुछ मामले में लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्रोध पर काबू रखें, नहीं तो अवसरों में कमी आ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए उपाय है, वो गुरुजनों की सेवा करें बा जरूरतमंद के लिए कंबल का दान करें। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों को जॉब, व्यापार और सेहत के मामले में लाभ हो सकता है। इस दौरान अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें, जोखिम उठाने से बचें। इनके लिए उपाय है, ये जरूरतमंद के लिए जूता पहनाएं।
कन्या राशि वाले, कन्या राशि के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान आप निवेश को लेकर योजना बना सकते हैं। मकान और वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। आपके लिए उपाय है, बहते दरिया में आटे की गोलियां बनाकर मछलियों के लिए डालें। तुला राशि वाले, तुला राशि पर शनि की ढैया है, इसीलिए शनि को शांत रखने की यथासंभव कोशिश करें। निर्धन लोगों की मदद करें, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। इनके लिए एक उपाय है, काले तिल की खीर बनाकर शनि के लिए भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि को इस दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, जिस कारण अवसरों को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। धैर्य बनाए रखें। आपके लिए उपाय है, आप आग के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं नित्य प्रति लगातार 20 दिन तक। धनु राशि वाले, धनु राशि पर शनि देव की 7.5 चल रही है, इस दौरान दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। प्रतिद्वंदी हानि पहुंचाने की यथासंभव कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप गुस्से पर काबू रखें व सूर्य भगवान को नित्य प्रति अर्घ प्रदान करें। मकर राशि वाले, मकर राशि में शनि का गोचर है और शनि इस समय अस्त है। 7.5 का प्रभाव आपकी राशि पर बना रहेगा। इस दौरान मन को शांत रखने की कोशिश करें। लाभ प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। आपके लिए उपाय है, शिव मंदिर में नित्य प्रति जल चढ़ाएं, ताम्र के लोटा से जल चढ़ाएं। कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 है, इस दौरान आप प्रसन्न रहेंगे और आगे पढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। गलत कार्यों को करने से बचें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आपके लिए उपाय है, आप भूखे को भोजन कराएं। मीन राशि वाले, मीन राशि के जातकों को मिले जुले फल प्राप्त होंगे। इस दौरान सेहत का ध्यान रखें, विवाद की स्थिति से दूर रहें, ये आपको हितकर नहीं होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें। वाणी दोष के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है, अपनी वाणी पर लगाम दें। आपके लिए उपाय है, आप एक हल्दी की गांठ अपनी जेब में रखें। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ता फिर हाजिर होंगे नए राशि फल के साथ।